बीजेपी सांसद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, आप सब जानते हैं। और फिलहाल अब ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। वीडियो खूब लोगों ने पसंद किया। जब बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो पीएम मोदी, राहुल गांधी और किरेन रिजिजू ने उन्हें बधाई भी दी, शुभकामनाएं दी। ऐसा पांचवीं बार हुआ कि कोई अध्यक्ष एक लोकसभा से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर आसीन रहा। इसके पहले चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल एक से ज्यादा बार यहां पर पूरा किया है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस के नेता बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे पीठासीन अधिकारी थे जिन्होंने सातवीं और आठवीं लोकसभा में दो कार्यकाल पूरे किए थे। इसके अलावा आज तक किसी ने भी इस आसन पर दो कार्यकाल पूरे नहीं किए हैं। पांचवीं बार ऐसा हो रहा है कि कोई अध्यक्ष एक लोकसभा से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर बना रहा है। कांग्रेस के नेता बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे पीठासीन अधिकारी रहे जिन्होंने सातवीं और आठवीं लोकसभा में दो कार्यकाल पूरे किए। अब ये तो बात हो गई कि स्पीकर का चुनाव हो गया, लेकिन कल तक जिस स्पीकर को लेकर इंडी गठबंधन के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और खुद राहुल गांधी ये बात कह रहे थे कि हमारा सम्मान नहीं रखा गया, पलट कर राजनाथ सिंह ने फोन नहीं किया, यानी वो जो स्पीकर पद पर भी एक जो लगातार रार दिखाई पड़ रही थी कल तक, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में पूरे तेवर बदल गए राहुल गांधी के। संदेश और संकेत की पहली बाजी बीजेपी जीत गई है ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 24 घंटे में राहुल के तेवर बदल चुके। राहुल के तेवर 24 घंटे पहले कुछ और थे और अचानक अब बदले से दिखाई पड़ते हैं। एक तरीके से कह लीजिए तो पूरी कहानी ही बदली नजर आती है। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए कोशिश करते हैं कि एक एक करके आपको बताएं। जहां तक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह दिखाई पड़ती है कि विपक्ष की एक भी शर्त पर सत्ता पक्ष सरकार टस से मस नहीं हुई। राजनीतिक हलकों में इसे सरकार की तरफ से तीन स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा गया। कांग्रेस और एनडी ब्लॉक में कुछ सहयोगी इस बार सदन में अपनी बेहतर संख्या से इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि उन्होंने एनडीए के लोकसभा अध्यक्ष उम्मीदवार पर आम सहमति के लिए शर्त रख दी। वो अध्यक्ष के बदले उपाध्यक्ष पद की मांग पर अड़ गए। दूसरी तरफ सरकार टस से मस नहीं हुई। उसने केवल शर्त के सामने झुकने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि परंपरा के नैरेटिव को भी दरकिनार कर दिया, जिससे यह संदेश गया कि ऐसा नहीं है कि हमारे नंबर कम हुए हैं तो हमारे तेवर कम हो गए। मोदी सरकार ने साफ संदेश दे दिया। सरकार के इस इनकार में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेता, मोदी सरकार 3.0 की ओर से दिया जा रहा एक सायस संदेश अच्छे से समझा गया। वो ये कि सीटें भले ही कम हो गई हो, लेकिन हमारा तेवर, हमारा मिजाज नहीं बदला है और ना बदलेगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश थी इससे कि हम नेता प्रतिपक्ष की बात पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर इस तरीके की शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार ने यह साफ कर दिया कि पिछली दो सरकारों के बाद इस सरकार के नजरिए में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में आर पार करने को तैयार विपक्ष को आगे बढ़ाने का रास्ता सरकार ने साफ तौर पर इस संदेश से दे दिया है कि सदन में संख्या बल और एनडीए के सहयोगी दलों पर उसका इतना नियंत्रण है कि उसे अब भी विपक्ष के सामने रक्षात्मक मुद्रा अपनाने की जरूरत है। ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये जो जिद थी, इस जिद को न सुनकर सरकार ने यह संदेश दे दिया कि हमारे नंबर कम हुए हैं, हमारे तेवर नहीं। दूसरी ओर कई लोगों का यह भी मानना है कि सत्ता पक्ष इस मुकाबले का इस्तेमाल न केवल स्पीकर का पद जीतने के लिए करेगा, बल्कि विपक्ष के खिलाफ कुछ अंक हासिल करने और ये दिखाने के लिए भी कर गया कि सदन में उसका दबदबा है। दोनों विपक्षी दलों के मूड पर पहले से ही नजर रखी गई। अगर स्पीकर के मुकाबले के दौरान नहीं तो कम से कम भविष्य में, खासतौर से तब जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में सक्रिय कामकाज कर रहे होंगे, तो कई लोग इस बात को मान रहे हैं कि स्पीकर का चुनाव उन पार्टियों को भी अपना लगाव जाहिर करने का मौका देगा जो कभी किसी खेमे में नहीं रहे, यानी जो न्यूट्रल है, ना इंडी गठबंधन के हैं और ना आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा होते हुए ना एनडीए के साथ दिखाई पड़े।
ओम बिरला के स्पीकर के तौर पर दोबारा चुने जाने से ज्यादा इस बात पर नजर रखी गई थी कि कौन सा पक्ष अतिरिक्त संख्या जुटा पाता है या लीक होने का सामना कर पाता है। लेकिन वोटिंग के बिना संपन्न हुए चुनाव के कारण ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका। ध्वनिमत से ये पास हो गए और स्पीकर के पद पर एक बार फिर ओम बिरला पहुंच गए। वोटिंग होती तो शायद ये पता चल जाता कि किसके पक्ष में कौन से सांसद हैं। लेकिन इस तरह के मौके सदन में खूब आएंगे, क्योंकि इस बार विपक्ष ने भी ये तेवर दिखाते हुए पहले ही दिन ये बता दिया कि विपक्ष की संख्या इस बार पर्याप्त है और विपक्ष के इस नंबर को हल्के में ना लिया जाए। लेकिन अगर आप देखिए तो 24 घंटे के भीतर जैसे राहुल गांधी के तेवर बदलते दिखाई पड़ गए, उससे सरकार ने भी ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि हमारे संख्या जरूर कम हुई है लेकिन हमारे तेवर नहीं कम हुए हैं और हम आपकी शर्तों पर काम नहीं करेंगे। शायद यही वजह थी कि कल तक जो राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे थे कि हमारा अपमान किया गया है, पलट कर फोन नहीं किया गया है, राजनाथ सिंह के लिए भी उन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन आज स्पीकर को वो खुद आसन तक लेकर गए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए, ओम बिरला को बधाई देते दिखाई पड़े और सबसे बड़ी बात कि वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ध्वनिमत से स्पीकर का पद तय हो गया। 24 घंटे में पूरी कहानी बदल गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।